सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। केश करना, आपको केश करना गिरो रहे हैं, बाल बहुत टूट रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना है, क्या इलाज करना है उसका? पहले इलाज आपको ये करना है कि सबसे पहले शैंपू वापरना बंद। शैंपू कौन सा? जिसका जाहिरात टीवी में आता है। बहुत सारे शैंपू का जाहिरात टीवी में आता है। क्लीन प्लस एक शैंपू है जिसका रोज जाहिरात आता है। फिर दूसरा नाइल एक शैंपू है, उसका जाहिरात आता है। फिर उसके बाद गोदरेज के बहुत सारे शैंपू, हिंदुस्तान लीवर के बहुत सारे शैंपू, ये सभी शैंपू जिनका जाहिरात टीवी करता है, ये आप वापरते हैं, केश गलना इसी से जास्ती होता है। आप बोलेंगे क्यों? कारण बताइए। आपने शैंपू बनते हुए देखा कभी? नहीं। तो आप वापरते क्यों? आपको माहिती है शैंपू बनाने में कौन सी वस्तु लगती है? कोई भी ताली को माहिती है? नहीं। तो मैं बताता हूँ, लिख लो आप। शैंपू बनता है जिस केमिकल से, उसका नाम लिखो। शैंपू जिस केमिकल से बनता है, जिस रसायन से शैंपू बनता है, उसका नाम लिखो। लिखेंगे बोलो। जो भी विद्यार्थी या सगळ्यांनी पुढे सरा, सगळ्यांनी पुढे सरा। ये केमिकल जो है ना, बहुत खतरनाक जहर है, विष। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। एक बार मैंने परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में, मैं पहले वैज्ञानिक था, प्रयोगशाला में काम करता था, तो शैंपू बनाने वाला जो केमिकल है ना, सोडियम लॉरेंस सल्फेट, ये मैंने एक इंजेक्शन में ले लिया। इंजेक्शन में ले लिया और चूहा होता है ना, चूहा ऊंधन, उसको इंजेक्शन लगा, ये देखने के लिए कि ये जो केमिकल है, ये विष है या अमृत है, अच्छा है या खराब। तो जब ऊंधन को मैंने इंजेक्शन लगा दिया, तो 15 से 17 मिनट के बाद ऊंधन मर गया। तब मुझे पता चला कि ये इंजेक्शन में थोड़ा सा केमिकल देके ऊंधन को लगा दिया, वो मर गया। फिर मैंने मेरे सीनियर साइंटिस्ट को पूछा कि ऊंधन मर गया, तो उन्होंने कहा तुम अपने को लगा दो, तुम भी मर जाओ। हाँ, मेरे सीनियर साइंटिस्ट के जो मेरे गुरु जैसे थे, उन्होंने कहा कि तुम खुद लगा लो ये इंजेक्शन, तुम भी मर जाओगे। मैं पूछा कैसे मर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा ये विष है, सोडियम लॉरेंस सल्फेट, और यही सोडियम लॉरेंस सल्फेट से शैंपू बनता है। अब वो शैंपू आप बाल में लगाते हैं, तो बाल आपके गुच्छे के गुच्छे टूट के नीचे आते। कोई भी शैंपू से बाल धोएंगे ना, खूब बाल टूटेंगे, क्योंकि ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट क्या करता है, जब आप घिसते हैं ना, तो बालों की जड़ को एकदम कमजोर कर देते, तो बाल टूट के सब नीचे आते। ये केमिकल का अगर तुलना करना हो, तो इसके बराबर एक दूसरा केमिकल है जिसका नाम है यूरिया। यूरिया माने रासायनिक खत। यूरिया है ना, यूरिया को पानी में डाल दो, फिर वो गल जाएगा, फिर उस पानी से बाल धो दो, सब बाल एक साथ टूट के आएंगे। एक ही बार में सिर्फ टकला, एक ही बार। यूरिया में इतना ही विष है जितना सोडियम लॉरेंस सल्फेट में है,
बस थोड़ा अंतर है, यूरिया एक बार में टकला करेगा और ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट थोड़े दिन बाद करेगा। आपको माहिती है आपके जो बाल हैं ये हर दिवस 1000 से जास्ती निकलते हैं, भगवान ने ये व्यवस्था बनाई। आपका जो सिर है ना, इस पर रोज 1000 नए बाल आते रोज, एक 24 तास में जब आप सोकर दूसरे दिन उठते हैं, एक तास शुरू करके अगले एक तास माने एक दिवस पूरा हो जाए 1000 नए बाल आते हैं। तो भगवान ने बाल जास्ती देने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। अपने सिर में एक केमिकल है, उसका नाम है मेलानिन। ये केमिकल बाल को सिर के बाहर निकालने वाला केमिकल है, माने बाल जो बढ़ते हैं वो इस केमिकल के कारण बढ़ते हैं। ये केमिकल छोटे बच्चों में नहीं होता, जो एक दिन के बच्चे होते हैं ना, दो दिन के, तीन महीने, तीन साल तक ये केमिकल बच्चों में जाती नहीं है, इसलिए उनके बाल जाती नहीं आते। उसके बाद ये केमिकल बनना शुरू होता है और 60-70 वर्ष की उम्र तक बनता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू होता है। तो 60-70 वर्ष तक बाल बढ़ते हैं, उसके बाद घटना शुरू हो जाते हैं। ये सब काम मेलानिन नाम के केमिकल के कारण होता है। अब ये जो शैम्पू है वो क्या करता है, ये मेलानिन का ही नुकसान करता है। तो जितना जास्ती आप शैम्पू वापर करेंगे मेलानिन उतना कम हो जाएगा, मेलानिन जितना कम होगा बाल उतने कम होंगे। तो क्या करना है, शैम्पू वापरना नहीं, तो शैम्पू वापरना बंद। केश गलने की समस्या जो भी ताई और आई को है उनको शैम्पू वापरना नहीं। अब क्या वापरना, शीका का, शीका का ही अपने घर में है, रीठा, रीठा जानते, रीठा को क्या कहते हैं मराठी, रीठा। तो एक तो शीका का ही है, दूसरा रीठा है और एक है आंवला, सुना है? ये तीनों खरीदना, रीठा, शीकाकाई, आंवला, तीनों खरीदना और इसका अनुपात बनाना। कैसा अनुपात बनाना, एक भाग आंवला, दो भाग रीठा, तीन भाग शीकाकाई, ऐसे खरीदना। एक भाग का माने 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम रीठा, 300 ग्राम शीकाकाई, ये तीनों खरीदना है। धूप में सुखाना और 8-10 दिन सुखाना, खूब अच्छे से सुखाना, फिर उसको कूटना, पाउडर बनाना, पीसना। पीसने के बाद वो पाउडर को बाटली में भर के रखना। फिर आपको जब बाल धोने का है तो ये इसमें से एक चम्मच पाउडर लेना, एक गिलास गर्म पानी में रात्रि को डालना, सकाल ही वो पानी से बाल धोना। ये तरीके से आपको बाल धोना, जीवन पर्यंत आपको कभी भी केश गलने का समस्या नहीं आएगी। क्या क्या करना, आंवला, दूसरा नहीं नहीं रीठा, फिर तीसरा सीधा। आंवला कितना, एक भाग माने 100 ग्राम, रीठा कितना 2 ग्राम, आंवला रीठा और शीका का कितना 300। तीनों बाजार में मिलता है, पंचकारी की दुकान पर मिलता है, किराने की दुकान में मिलता है। खरीद के सुखाना धूप में पहले 10-15 दिन, जब ये खूब सूख जाएगा फिर इसको पीसना, कूटना और पीस लेंगे, फिर बाटली में भर के रखना, ठीक है। अब यही आपका शैम्पू है, रोज एक चम्मच इसमें से लेना, एक गिलास गर्म पानी में रात्रि को भिगो देना, सकाल उठकर उस पानी से बाल धोना, तो केश गलने की समस्या बन, ठीक है।